Who is this? What is this? For whom? What's this? Can I have it? Wow. You want to say something? What? Do you love me? Say it then. Say it loudly. Say it loudly. I love you. Say I love you, Mama. I love you too. अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज फाइनली मैं आपके साथ वो खुशी शेयर करने जा रही हूँ जिसका हर यूट्यूबर को बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है, जिस दिन वो अनाउंस करे कि उसका चैनल हो गया है मोनेटाइज। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये खुशी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि सादी फादी ब्लॉग्स फाइनली मोनेटाइज हो गया है। और इस खुशी को आप इस मीठे से केक के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। सब अरेंजमेंट्स जो आप देख रहे हैं ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ थी और ये एक ऐसा सरप्राइज़ था जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली इन एक्सपेक्टेशंस पर बिल्कुल पूरा उतरी और यहाँ पर मैं मौका गनीमत जानते हुए अपने बेटर हाफ़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो सादी फादी व्लॉग्स पॉसिबल ही नहीं था। और जब शुक्रिया अदा करने की बारी आए तो मुझे लगता है सबसे पहले मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए उस ज़ात का, उस हस्ती का जिसकी दुआओं के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, यानी कि मेरी प्यारी माँ। तो थैंक यू ममा। और यहाँ साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपनी प्यारी सी बेटी का, क्योंकि ये वो इंसान है जिसको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता था कि मेरी वीडियो पर कितने कॉमेंट्स आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं। और अगर कभी कोई डिसलाइक आ जाता तो मुझे तो शायद फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसका नन्हा सा दिल ज़रूर टूट जाता था। तो मेरा प्यारा बच्चा छोटू मियाँ का भी शुक्रिया अदा करना बनता ही है, क्योंकि वो तो मेरे व्लॉग्स के हीरो हैं। अगर वो अपनी प्यारी प्यारी बातों से आप सबको राज़ी ना करते तो शायद ये चैनल इतना जल्दी इतना ज़्यादा ग्रो ना करता। जब मैं सबका शुक्रिया अदा कर ही रही हूँ तो यहाँ मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपनी छोटी बहन का, क्योंकि उसकी प्यारी सी आवाज़ जो है वो कई मेरे व्लॉग्स को चार चांद लगा चुकी है। फैमिली और फ्रेंड्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ख़ास का मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, क्योंकि आप सब लोग ही बहुत ख़ास हैं। आप सब ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह मुझे सपोर्ट ज़रूर शो की है। तो आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। अब तक मैंने जितने भी लोगों का जिक्र किया वो सब मेरी इमीडिएट फैमिली हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपनी वाइटी फैमिली का भी जिक्र करना चाहूँगी। और जब बात वाइटी की हो तो सबसे पहले नाम जो मेरे जहन में आता है, जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, वो है सहरीन। थैंक यू सहरीन, आपके बग़ैर वाइटी जर्नी कुडंट हैव बीन पॉसिबल। सहरीन वो हैं जिन्होंने मुझे बग़ैर कहे शाउट आउट्स दिए और हमेशा मेरा साथ निभाया। अगर वो मेरी किसी वीडियो पर ना आए तो, बल्कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि वो मेरी किसी वीडियो पर ना आई हों। तो जब तक मैं उनका कमेंट ना पढ़ लूँ तो लगता है कि बात अभी कुछ आधी अधूरी सी है। तो सहरीन बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस ताल्लुक़ को हमेशा इसी तरह कायम रखे, बल्कि हर गुज़रते दिन के साथ ये ताल्लुक़ और मज़बूत होता रहे। मेरी वाइटी की जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही है। इस दौरान मैंने बहुत से प्यारे प्यारे फ्रेंड्स बनाए, बहुत से लोगों के साथ दिल का ताल्लुक़ जुड़ा। ये सब ऐसे हैं जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। इन सारे मम्स के साथ एक बहुत ही यूनिक किस्म का बॉन्ड है मेरा। हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया और इन सब के प्यारे प्यारे इनकरेजिंग कमेंट्स जो हैं वो मुझे हमेशा जो हैं एक एंथुजियाज्म मेरे अंदर क्रिएट करते हैं कि आई हैव टू कीप ऑन वर्किंग, और ये कि इस जर्नी पे मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ, ये सारे लोग मेरे साथ साथ हैं। तो ये सारी मेरी वो सिस्टर्स हैं जिनके अपने भी चैनल्स हैं, तो मैं इन सब को जो हूँ तहे दिल से बहुत ज़्यादा इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने इतनी ज़्यादा सपोर्ट की मेरी, इतनी मोहब्बत जताई, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मेरी जब भी कोई वीडियो आती है मैं इन सब के कमेंट्स पढ़ने को लुक फॉरवर्ड करती हूँ, और इन सब के जो स्वीट कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग होते हैं। ये सब लोग मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और बस मैं इनको बेस्ट ऑफ लक ही कहना चाहूँगी और इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और इनसे ये कहूँगी कि हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहें, और वो जो प्यार का रिश्ता हमारे दरमियान है वो हमेशा कायम और दायम रहे। तो ये तो कुछ नाम हैं जो मैंने जो बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे चैनल पर आते हैं, या जिन्हें कहा ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मेरा सपोर्ट सिस्टम है। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी उस वीडियो के कमेंट्स जो वीडियो मोनेटाइजेशन के बाद सबसे पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये वीडियो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि इस वीडियो पर आने वाले ज़्यादातर कमेंट्स जो थे वो आप सब की तरफ से मुबारकबाद के थे और इनकरेजमेंट के थे, और आप सब ने मुझे ये बताया था कि कैसे आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। और एप्रिसिएशन मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो इसकी हम सब को ही ज़रूरत होती है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारे काम को एक्नॉलेज करें, उसे पसंद करें, और लाइक्स और कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स जो हैं आई थिंक एक बेहतरीन तरीका है। और आज मैंने एक बात पढ़ी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आप किसी को अच्छा कह देते हैं या किसी पे जाहिर कर देते हैं कि उसकी कोई बात आपको अच्छी लगी है, तो ये जो है एक खुशी का बायस हो जाता है दूसरे के लिए। यानी आप दूसरे को अपनी तरफ से खुशी दे रहे हैं, आप उसकी खुशी में इजाफा कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं, तो अगर आप किसी की खुशी में इजाफा करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपकी खुशियों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस बात का बहुत अच्छे से एहसास है कि आजकल एक दूसरे के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल बात है। हम सब जो YT के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम सब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और क्योंकि अब ये इस काम को करते हुए मुझे तकरीबन 1 साल होने को है, तो मैं ये बात शेयर करने में बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगी या बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगी कि ये एक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग जॉब है, और बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। जिस शख्स में ये क्वालिटीज़ होंगी वही अपना चैनल चला सकता है, वरना तो YT पे काम करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ख़ुद भी काम करना और दूसरों को भी इनकरेज करना, मुझे लगता है कि ये भी बहुत ही जो है मुश्किल काम है, और जो लोग ये करते हैं दे डिज़र्व एप्रिसिएशन। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने चैनल की कुछ पॉपुलर अपलोड्स। ये वो वीडियोस हैं जिनको एक्नॉलेजमेंट मिली, जिन्हें आप सब ने बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया, और इनकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे चैनल की पहचान भी बनी। और यहाँ पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक दफ़ा, और आप सबकी सपोर्ट के लिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी ये वीडियोस नहीं देखी हुई तो इन्हें ज़रूर वॉच कीजिए, और मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपने रीसेंट अपलोड्स। हर वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है हम उसी तरह किसी भी फील्ड में जब काम करते हैं तो हम उसमें एक्सेल करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो ऑब्वियसली मेरी पुरानी वीडियोस से काफ़ी हद तक बेहतर हैं। तो आप सब से भी मैं यही कहूँगी कि अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए कि आपको मेरी ये वीडियोस कैसी लगती हैं और क्या आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं या नहीं देखी हैं। सबसे आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी सबसे पहली वीडियोस। ये वो वीडियोस हैं जो मुझे उतनी ही प्यारी हैं जैसे कि मेरा फर्स्ट बॉर्न, क्योंकि इन सब पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि YT पे कैसे काम करना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो पे मैं काफ़ी अरसे से काम कर रही थी और बीच में रुकना भी पड़ा क्योंकि रमज़ान थे और मैं चाह रही थी कि बिल्कुल 100% देकर ही इस वीडियो को मुकम्मल करूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप सबका शुक्रिया अदा करना था, आप सबसे अपने दिल की बात करनी थी। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और आखिर में हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी कि किसी का भी दिल ना दुखाइए, एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सादी।